बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विसेज इन एंगुलर। सो पिछली हमारी दो वीडियोस के अंदर हमने एंगुलर राउटिंग के बारे में डिस्कस किया, और अपनी पूरी इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने एंगुलर के बेसिक्स कवर किए। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इसको प्लीज शुरू से देखते हुए, अगर आप बिगनर हैं तो चलें अपनी 15th वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट क्लोज ऑल दीज टैब ताकि कन्फ्यूजन कम रहें। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, और अब तक हमारा जो पेज है वो कहाँ तक क्रिएट हुआ है। हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हैं, एडमिन एंड दिस। अब और इस तरह से फ़िल्टर वगैरह भी हमने इसके ऊपर थोड़ा बहुत किया हुआ है। और ये जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा हमने एक एम्प्लॉय कंपोनेंट है इसके अंदर हार्ड कोडेड, इसको यहाँ पे TS फाइल के अंदर कंपोनेंट में उस टाइम पे कर दिया था, ठीक है। बट हमने डिस्कस किया कि ये डेटा इस तरीके से हार्ड कोडेड नहीं होता। ऑब्वियसली ये डेटा किसी डेटा सोर्स से, किसी API से आएगा। तो अगर हमें सेम डेटा की ज़रूरत मल्टीपल कंपोनेंट पर है, तो क्या हम इसकी लॉजिक रीराइट करेंगे हर कंपोनेंट पे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्रिंसिपल डोंट रिपीट योर सेल्फ DRY डोंट रिपीट योर सेल्फ का जो प्रिंसिपल है कि जो कोड है आपका वो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसको आप वायलेट करेंगे, सही है। तो इसका मतलब है API कॉल भी जो है वो कहीं एक जगह पे होगी, और वो कहाँ पर होगी? वो सर्विस पे होगी, यानी जो डेटा एक्सट्रैक्शन है या डेटा लेयर है जहाँ से आप API कॉल्स करेंगे, सर्विस होगी। सर्विस क्या है? एक तरीके का पीस ऑफ कोड होगा वहाँ पे जो कि सर्व करेगा आपके तमाम कंपोनेंट को, ठीक है। और थ्रू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम इसको सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। तो उसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को आने वाली वीडियो में देखेंगे, बट फॉर नाउ इसको हम थोड़ा सिंपल रखते हैं ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। अभी ये जो डेटा है वो एक कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। लेट सपोज मुझे यही डेटा एडमिन कंपोनेंट के अंदर भी सेम एम्प्लॉयज़ की कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी है। लेट्स सपोज मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स शेयर करनी है, बट सैलरी शेयर नहीं करते चले वहाँ पे। लेट्स अज्यूम कि ये दूसरा कंपोनेंट है एडमिन, और मुझे यही ग्रिड, सेम ग्रिड यहाँ शो करनी है। तो मुझे अब ये जो डेटा है मेरा ये इस कंपोनेंट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि या तो ये वहाँ पर भी API कॉल करनी पड़े एडमिन का जो कंपोनेंट है विच इज़ दिस कंपोनेंट, और यहाँ ये बिल्कुल खाली है। तो यह दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ पे भी तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो डुप्लीकेशन ना करें, उसके लिए हम करेंगे एक सर्विस क्रिएट। तो टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं, टर्मिनल पे आके लिखते हैं NGG सर्विस। सर्विस का नाम होगा एम्प्लॉय। सो इस कमांड के थ्रू मैं सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा TS फाइल के अंदर ये जो डेटा है इसको यहाँ से कॉपी करें। ओके, बजाय कॉपी के पूरा यहाँ से इसको हटा लो, कट, ठीक है। इसकी डिक्लेरेशन ही रखी है इस तरीके से, यहाँ इसको कर दो वार एम्प्लॉय। ओके, नहीं वार नहीं होगा, ये इसी तरीके से रहेगा एम्प्लॉय एनी। अभी ये एरर दे रहा है, इसके एरर कह रहा है नो इनिशियलाइजर, ठीक है। इसका इनिशियलाइजर अभी हम करते हैं, बस पहले चलते हैं सर्विस के अंदर, और सर्विस के अंदर यहाँ पर आके और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं पहले ये पूरा अरे। अच्छा, एक मेथड बना लेते हैं, कंट्रोल जेड गेट ऑल एम्प्लॉय, इसकी रिटर्न टाइप होगी एनी। अरे ठीक है, रिटर्न दिस, सही है। ये मेथड अब देखें, ये जो सर्विस है इसके अंदर अभी तो ये हार्ड कोडेड है, बट लेटर ऑन वी विल क्रिएट एन API और उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, या फिर कोई मॉक API यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अब इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कहाँ पे? अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर जाके, चूँकि यहाँ पर है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको अपनी सर्विस को करना पड़ेगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट
फ्रॉम, दिस एम्प्लॉय सर्विस, और यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस को इंपोर्ट कर लिया पहले। अच्छा, दूसरा स्टेप है वो आपको सर्विस को रजिस्टर करना होगा, प्रोवाइडर्स कॉलन दिस, और ये जो एम्प्लॉय सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट किए यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दो स्टेप्स हो गए, नंबर वन इंपोर्ट, दूसरा रजिस्टर। पी सही है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इस क्लास का, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर की ये बॉडी, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस तरीके से होगा। यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे प्राइवेट और एम्प्लॉय सर्विस, और कहाँ से, इस वाली एम्प्लॉय सर्विस जो पूरा डेटा से आएगा यहाँ से। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कर देना, सिंपली लिख देना है दिस डॉट, ये वाला जो एम्प्लॉयज जो कि अब तक हमें कह रहा है कि इनिशलाइज नहीं हुआ किसी कंस्ट्रक्टर में, इक्वल्स टू, और ये इसके अंदर बैठ किया होगा ये डॉट, ये देखो गेट एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉय का मेथड आ रहा है जो कि हमने वहाँ बनाया, विच इज़ फाइन। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, नोट पे इसके ऊपर सेव करते हैं, सही है, कोई एरर नहीं है, देखो ये एम्प्लॉय के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ सेम हम करते हैं किसके लिए, अब यही डेटा हमें एडमिन पे चाहिए ना, तो हम रीराइट नहीं करने वाले लॉजिक अभी इसका, देखें सर्विस का फ़ायदा, ठीक है। एड सेम स्टेप करेंगे, एडमिन कंपोनेंट के ऊपर जाएंगे इसकी TS फाइल के अंदर, ठीक है, और यही पूरा काम करेंगे। ये यहाँ से कॉपी कर लो, इम्पोर्ट, यहाँ पे हो गया इम्पोर्ट, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है हमें, उसको रजिस्टर करना है, कॉपी प्रोवाइडर्स कॉलन दिस एम्प्लॉय सर्विस, ये हो गया। अब उसको यहाँ पे डिक्लेयर करो पहले, अब लाइक का वेरिएबल जो आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर एम्प्लॉयज कॉलन एनी, और ये एम्प्टी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको किस तरीके से किया था हमने, प्राइवेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय सर्विस, और यहाँ से दिस, ठीक है, दिस डॉट एम्प्लॉय इक्वल्स टू एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज, सही है। और सेम जो लॉजिक उसकी है एच टी एम एल उसका एम्प्लॉय वाला, वो हम यहाँ पे रीयूज कर लेते हैं, टेबल जो है पूरा उठाते हैं, लेट्स मेक इट कॉपी, और एडमिन के एच टी एम एल पे आते हैं, एक टिफ कंटेनर बनाते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर, और ये पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये सब टी आर वी आर ये सब अभी नहीं चाहिए, एन जी कंटेनर वगैरह नहीं चाहिए। ओके, कुछ लॉजिक है जो हमने वहाँ पे किया हुआ है ना, वो फ़िल्टर के लिए, तो वो फ़िल्टर विल्टर तो यहाँ पे है नहीं। सिंपल क्या करना है, ये वाला जो एन जी फॉर लूप है ना, इसको उठाना है कट, और ये इफ़ इफ हटा दो अभी, तो कर दो पेस्ट। यहाँ पे सैलरी, लेट्स सपोज हम सारी यहाँ पे भी इस कॉलम को हाइड कर देते हैं, एडमिन के ऊपर सैलरी शो नहीं करते, एन जी कंटेनर, एन जी कंटेनर, तो एच टी एम एल में थोड़ा सा चेंज किया मैंने बाकी चीज़ें, अब इसके ऊपर ये ग्रिड भी वहाँ पे शो हो गया होगा। चलो देखते, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि एम्प्लॉय का ये जो है
क्रिट, और ये देखो बैडमिन के ऊपर भी वही डेटा मैंने यूज़ कर लिया। तो ये फ़ायदा हुआ हमें सर्विस का कि हमें अपनी लॉजिक जो है रीराइट नहीं करनी पड़ी, हम उसको एक जगह सर्विस के अंदर वंस एक दफ़ा लिखेंगे, डेटा कॉल एक दफ़ा करेंगे, एपीआई कॉल एक दफ़ा करेंगे और उसको सर्विस को इंजेक्ट करेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम थोड़ा फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो इसको सिंपल रखने के लिए ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।